हेलो साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो इधर जैसा मैं आपको बताता हूँ, इधर अंडरग्राउंड मतलब ये जो ग्राउंड बीम है, ग्राउंड के अंदर ही रह जाता। सो बीम के बारे में बताना चाहता हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर आप नए चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो इधर जैसे कि अभी मैं आपको पूरा फुल टॉप व्यू दिखाता हूँ। टॉप व्यू से पूरा इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पर देखिएगा कैसा है, यहाँ पर देखिएगा कैसा है, पूरा ओ एंड से पूरा ऐसे लिया गया। ओके, एक्चुअली ये एक ऐसा रहता, प्लिंथ बीम तो यहाँ पर आता। प्लिंथ बीम और ग्राउंड बीम का डिफरेंस भी आज आपको पता चलता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ग्राउंड बीम, या फिर ज़मीन के अंदर ही छुप जाता, ये ग्राउंड बीम है। वो वाला जो आप देख रहे हैं ना, वो जो आता आपका प्लिंथ बीम आता, ठीक है। प्लिंथ बीम क्या है, आपके बेसमेंट के ऊपर आता। ग्राउंड बीम जो है ना, आपके ज़मीन के लेवल पे आता। ग्राउंड बीम में किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ये हमेशा आपको ज़मीन के अंदर ही रहता, हमेशा आपको नमी का प्रॉब्लम रहता है, कंटिन्यूअस वेट रहता है। सो यहाँ पर जो है, आप कंक्रीटिंग करते समय, चाहे वो जो भी हो, थोड़ा एडमिक्सचर्स लाइक डॉक्टर फिक्सिट वो सब यूज़ करके कर लीजिएगा, सो दैट एक अच्छा सा बॉन्ड बन सके। एंड फिर इसका लेवलिंग कैसे चेक करते हैं वो भी मैं बताता हूँ। रॉड का साइज़ देखिएगा, इसमें देखिएगा, मैं ये किसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, कैसे एक बेड डालते हैं वो सब, कल बनाया था। आज जो है इसका काम शुरू हो चुके हैं। अब बात करते हैं रॉड्स की, बात करें तो ये इसके अंदर बॉटम में 3 बार, टॉप पर 2 बार, 12 mm का यूज़ किया गया। एंड इसमें एल बैंड देने नहीं आता, क्यों बोले तो काम करते हो थोड़ा सा दिक्कत होता है, काफ़ी ये कंजेस्टेड एरिया है, तो एल बैंड इसमें थोड़ा बनाने नहीं आता, बल्कि नॉर्मल रख के उसको अच्छे से टाका मारा गया, ठीक है। ये इसको जॉइंट किया गया सभी रॉड को, एक पिलर रॉड और ये वाला कोना टाका किया गया। सेम इसी तरह से उधर भी वैसे ही किया गया, इधर भी से। अब नेक्स्ट आता है, इसको कवरिंग ज़रूर दीजिएगा। कवरिंग जो आ रहा है आप लोगों का, ये देख सकते हैं, 45 mm आप दे सकते हैं, 40 mm दे सकते हैं, या फिर ये कवर ब्लॉक सबको हार्डवेयर शॉप में मिल जाता है, ये 40 mm है। एंड इधर 20 mm, 25 mm और ये 50 mm। सो आपके कंडीशन के हिसाब से कवरिंग देना पड़ता, ज़्यादा हाइट भी दिए समझो, ये ऐसा झुकने का चांसेस रहता है ऐसा। सो दो दो कवरिंग देना चाहिए, वो रॉड को एक सपोर्ट, ए रॉड को एक सपोर्ट। ओके, अब एंड की बात करें तो देख लीजिएगा, ये आपका एंड आ गया। ये जो रॉड है, अभी भी आप अपना साइड पर ऐसा कर लीजिएगा, ये अभी एल बेंड करे सर का भी कर सकते हैं आप लोग। ओके, एल बेंड होने से क्या है, इसको और इसको अच्छे से एक बॉन्ड पकड़ लेता, बॉन्डिंग बन जाता। जैसा आपका उंगली एक के अंदर एक घुसा दे तो अच्छे से बॉन्डिंग बनता है ना, सेम उसी तरह से ये कैसा है, ऐसा नॉर्मल हो जाता। अगर इसको थोड़ा बेंड करे तो खींचे तो भी ये आता नहीं है, तो उस टाइप में आप बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसका एक लेवलिंग चेक करना, ठीक है। ये जो वाइट वाइट मार्किंग देख रहे हैं ना आप, उसके बाहर ही आपका प्लेट्स आना चाहिए, तो उस तरह से यहाँ पर बनाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर। तो देखिएगा, वो जो वाइट कलर का एक धागा देख रहे हैं, देखो चुन्ना के मदद से यूज़ किया है, उसे बाहर ही यहाँ पर प्लेट्स बिठाया जाता है। और बाद में इसको और एक तरीका बना सकते हैं, जैसा 9 इंच का आपके पास अगर 2 प्लेट आ रहे समझो, सो 9 इंच का रॉड कट करके ना यहाँ पर उधर एक रख के ना, उसको एक अच्छा सा एक नीचे एक रॉड रखना, ऊपर एक रॉड रखना। वो रॉड कैसे रखते मैं बताता हूँ आपको। ऐसा मान लीजिएगा ये 9 इंच का एक रॉड है, ओके, इधर एक बांधते और नीचे एक बांधते, ताकि ऊपर का प्लेट और ऊपर और नीचे दोनों तरफ से ना एक अच्छी तरह से एक प्लेट का बॉन्डिंग रहता, नीचे भी नहीं झुकता, ऊपर भी नहीं झुकता। सो वैसा आप बना सकते। सिंगल प्लेट के लिए वो चीज़ नहीं आता है, रीज़न वही है, बिकॉज दोनों रॉड को अच्छे से बॉन्डिंग होना पड़ता है, ठीक है। आपको मैं अभी टॉप व्यू दिखाता हूँ फर्स्ट। सो अब फिलहाल जो काम चल रहा है, बाइंडिंग का काम चल रहा है, देख सकते हैं। और मेन इम्पोर्टेंट चीज़ रहता है जंक्शन, यानी कि आपका एंड पॉइंट। एंड पॉइंट में देखिएगा, हर एक को टाका मारने लगेगा जरूर, जैसे इधर इसको भी अच्छा सा इधर बनेगा, यहाँ पे ये रॉड बाइंडिंग रहना ज़रूरी है, मेन चीज़ यही है। ओके,
ये वाला भी सेम उसी तरह से। थैंक यू।